जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां बनते हैं जनता की आवाज। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, अब टोल प्लाजा, जिंदपुर टोल प्लाजा पर गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्षा हेमलता पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंची और उन्होंने कहा कि जब तक टोल आप ले रहे हैं तब तक रोड क्यों नहीं बना रहे, यानी कि जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं, पहले रोड बनवाओ फिर टोल अपना वसूलने का काम करो, तब तक यह टोल प्लाजा अवैध माना जाएगा। लेकिन कर्मचारियों ने उनसे अभद्रता की और साथ ही उनके कहने के बावजूद भी वहां पर लोगों ने कहा कि हम तो टोल वसूलेंगे, आप चाहे जो चाहे करो। इसके बाद में उन्होंने SDM को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम से कि जब तक रोड नहीं बन जाती तब तक टोल लेना गलत है, क्योंकि रोड पर इतने सारे अवैध गड्ढे बने हुए हैं जो कि इस कारण से लोगों का जीना दुभर हो गया है, यहाँ रोड पर चलना मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अवैध रूप से टोल वसूला जा रहा है। इस टोल को या तो बंद किया जाए या फिर रोड को बनाया जाए, जिसके बारे में SDM ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस बारे में आगे की उचित कार्रवाई की जाएगी। हेमलता पटेल ने अजय भारत को बताया कि जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वह टोल वसूलने नहीं देंगी और यहाँ पर आने वाले समय में धरना देकर के बैठ जाएंगी। देखिए ये खास खबर हमारी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उतारो ए उतारो, रोका गया, किस तरीके की वसूली की जाती है, क्या था पूरा मामला वहाँ का? टोल प्लाजा में अवैध वसूली हो रही है, हाईवे बना नहीं है, रोड बनी नहीं है, अवैध तरीके से टोल चल रहा है, गरीब जनता का पैसा वसूला जा रहा है, गरीब जनता परेशान है और जब दबंगई के बल पे वहाँ पैसा वसूलते हैं। आखिरकार ये क्या है, ये सब क्या चल रहा है? 4 साल से हाईवे बना नहीं, रोड है नहीं, जब रोड नहीं तो टोल नहीं, तत्काल टोल को बंद किया जाए। नहीं, हम लोग धरने पे नहीं बैठेंगे, हम लोग वहाँ जा करके बिल्कुल बराबर गाड़ियाँ निकालेंगे, 10 दिन तक बराबर गाड़ियाँ निकलती रहेंगी, इनके दिमाग में आ जाएगा। आखिरकार ये हो क्या रहा है हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में? हमारे जिले की बात है, यहाँ पर सांसद जी आते हैं, यहाँ पर भाजपा के मंत्री आते हैं तो कहते हैं, आश्वासन देते हैं, यहाँ की DM साहब आश्वासन देती हैं कि टोल बंद करवा देंगे, बंद करवा देंगे। आखिरकार कब बंद करवाएंगी, जब यहाँ तेरही हो जाएगी लोगों की? रातों दिन लोग परेशान हैं, पैसा वसूला जा रहा है, आखिरकार पैसा जाता कहाँ है? वहीं उनकी उनकी झोली में जाता होगा, इसलिए टोल नहीं बंद होता। अगर वो टोल नहीं बंद करवाते, एक हम समय निश्चित करेंगे, अगर इस दिन में समय टोल नहीं बंद होता तो हम लोग बराबर गाड़ियां निकलवाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि टोल से वहाँ वसूली हो जाए। हम धरने पे नहीं बैठेंगे, हम कायर नहीं है धरने पे बैठ करके इनके हाथ पैर जोड़े, हम हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे, हम वहाँ गाड़ियाँ निकालेंगे, देखते हैं कैसे लोग गाड़ियाँ नहीं निकाले। जब रोड नहीं तो टोल नहीं, पहले रोड बनवाई जाए। अगर देखा जाए तो इनकी सरकार में वो हाईवे पास हुआ और वो बना, लेकिन आज तक उस हाईवे पर कोई भी गाड़ियाँ नहीं चल सकी, इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, तो क्या इनमें मंत्रियों का दोष है? पूरा दोष मंत्री और सरकार का है भैया। कहते हैं गड्ढे मुक्त हमने रोड कर दिया, सब पूरी रोडें गड्ढे युक्त पड़ी हुई हैं, बांदा से लेकर के कानपुर वाली रोड देख लीजिए, बेंदकी तक कितनी खस्ता हाल रोड है, गाजीपुर से असोतर रोड देख लीजिए, कम से कम 10 साल हो गया असोतर रोड को और रोड नहीं बन पा रही है, बेंदकी रोड को कितना समय हो गया नहीं बन पा रही, आखिरकार पैसा कहाँ जाता है, आखिरकार पैसा रोड का पैसा कहाँ जा रहा है? नहीं, जनता परेशान है, जनता इतना ज़्यादा परेशान है, लोग यहाँ के परेशान हैं, उनकी कुछ सुनाई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, और झूठ का पुलिंदा लेकर के सरकार घूम रही है, झूठ का ढिंढोरा पीट रही है कि हम जनता को ये सुविधा दे रहे हैं, हम वो सुविधा दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा। ठीक,